Hey guys, what's up? I'm Tokur Edits and welcome back to my channel. So guys, कैसे है मेरी Edits Army? I hope आप हमेशा की तरह एकदम मस्ती होंगे. Okay, so guys, मैं जानता हूँ वीडियो काफी दिनों से लेट हो रही है, मतलब चार दिन का गैप हो गया वीडियो में. Guys, वीडियो इसलिए लेट हो रही थी क्योंकि मेरा थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा था, थोड़ी मेरी तबियत वगैरह खराब चली थी, फीवर वगैरह हो रहा था. नहीं नहीं भाई, कोरोना नहीं हुआ भाई, कोरोना नहीं था, ठीक है, नॉर्मली फीवर वगैरह था, इसलिए मैं वीडियोस को नहीं बना पा रहा था यार. सिंपल सी बात है, तुम्हारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो तुम वीडियो बनाने का मन नहीं करता तुम्हारा, एंड ना मैं इंस्टाग्राम वगैरह के लिए कोई कॉन्सेप्ट बना पा रहा था. बस यही रीजन था गाइस, आप सबको लोगों को मुझे बताना था इस वीडियो के अंदर. सो गाइस, अब आते हैं एडिटिंग के ऊपर. गाइस, मैं आपको इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूं कुछ इस तरह की वायर न्यूज़पेपर फोटो एडिटिंग, ठीक है. एंड गाइस, जो भी मैं इसके अंदर बैकग्राउंड पेज यूज करूंगा इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप वहां पे जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं. एंड डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सिंपली आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं रिप्लाई देने पूरी से पूरी कोशिश करूंगा. काफी ज्यादा मैसेज आते हैं गाइस, तो मैं जिनका रिप्लाई हो सकता है ऊपर ऊपर आता है ना, मैं उनका रिप्लाई दे देता हूं. तो गाइस ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है. सो गाइस, अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, लेट्स गो फॉर इट. ओके गाइस, तो गाइस सबसे पहले क्या करना है गाइस, सबसे पहले आप लोगों को ये वाला बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर. ये वाला बैकग्राउंड का लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हो. फिर गाइस आपको जाना है ऐड फोटो के अंदर. ऐड फोटो पर जाने के बाद गाइस लेंगे मॉडल का PNG जो कि ये रहा, देन सिंपली आपको इसको अपने बैकग्राउंड के ऊपर ऐसे लगा देना है. एंड गाइस, जो आपका पोज कुछ इस तरह का देना है, ठीक है, इस तरह का कुछ पोज लेना, जैकेट या शर्ट वगैरह पहन के. फिर गाइस हमें क्या करना है, अब मैं जाऊँगा ऐड फोटो के अंदर. एड फोटो पर जाने के बाद लूंगा मैं फायर का PNG जो कि ये रहा. तो जितने भी मैं इसके अंदर बैकग्राउंड PNG यूज कराउं सबका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप वहाँ पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो. तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, डाउनलोड कर लेना इजली, सारे स्टॉक मिल जाएंगे आपको. देन ब्लेंडिंग पे जाके इसको करना स्क्रीन, एंड देन सिंपली गाइस आपको अपनी जैकेट के इस एरिया पे लगा देना है, जैकेट या कोई भी शर्ट वगैरह जो आपने पहन रखा हो ऐसे. ओके, तो फिर गाइस हमको कर देना है यहाँ से थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ हल्का सा, इतना, हाँ इतना बेस्ट है. एंड फिर डन कर देना. फिर गाइज हम जाएंगे ऐड फोटो के अंदर. अब हम लेंगे गाइज फायर प्लस फ्लेम का PNG जो कि ये रहा. देन सिंपली इसको पूरे बैकग्राउंड को प्रेस लगाना, एंड फिर आपको ब्रांड पे जाके कर देना स्क्रीन. देन सिंपली जो भी ब्लैक ब्लैक एरिया होगा सारा एरिया हो जाएगा, एंड ये आपके बॉडी के आगे लग जाएगा. ठीक है गाइज, आप सोच रहे हो इस साइड क्यों नहीं है, तो हमें दिक्कत लेने कोई बात नहीं क्योंकि हम इसके ऊपर लगाएंगे अभी न्यूज़पेपर का PNG, तो हमें इसको इग्नोर करना है. ठीक है, बिल्कुल इग्नोर कर देना है. ओके गाइस, फिर अब हम जाएंगे ऐड फोटो के अंदर. अब हम लेंगे गाइस न्यूज़पेपर का PNG, न्यूज़पेपर कह रहा हूँ मैं भी, जिसमें आग लग रखी है. ठीक है, देन इसको आपके बैकग्राउंड के ऊपर ऐसे लगाना है पूरा. ठीक है, जैसे आप ऐसे लगाओगे आप कुछ इस तरह का लुक आ रहा है, जैसे कि जो पेपर है कैमरे के पास है एंड आप पीछे हो कैमरे ये पेपर्स के ना, तो काफ़ी बढ़िया लुक आ रहा है इससे. एंड फिर हमको कर देना है यहाँ से डन. फिर गाइस हमको जाना है ऐड फोटो के अंदर. अब हमको लेना है गाइज ये वाला फ्लेम का PNG. ओके, तो इसको मैं लगाऊंगा एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में. तो पहले ये ऐड हो गया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, ये देख रहे हो गाइस. तो आ गया, अब तो ब्लेंड पे जाके करना है स्क्रीन, देन एक लेफ्ट साइड में लगाना हमको ऐसे. ठीक है, एंड फिर डुप्लीकेट कर देंगे एंड इसको हल्का सा रोटेट कर देंगे, फ्लिप कर देंगे मतलब, एंड इसको एक को इस साइड लगा देंगे, हल्का हल्का सा ऐसे कर देंगे ताकि हमारे बालों पर भी ये ऑरेंज कलर का कलर आए. देखो पहले ऐसे था, एक कलर आने लगे. ठीक है, तो ये हमारे जो बालों पर भी हिट मारेगी लाइट्स, एंड फिर कर देना यहाँ से आपको डन. तो गाइस इसके अंदर हमारे सारे बैकग्राउंड एंड PNG पूरे लग चुके हैं. बहुत ही सिंपल गाइस, एडिटिंग देखने में काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगती है कि पता नहीं कितने PNG यूज़ कर दिए होंगे इसके अंदर तो फिर भाई ने, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है, आपके सामने पूरा तुम्हारा भाई एक एक चीज़ बताता है. ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा गाइस, जैसे मैं आपको पता है मैं गूगल्स पहनता हूँ हर फोटो के अंदर, तो यहाँ पे गूगल्स में हमारे यहाँ पे अगर फायर जल रही है तो यहाँ पे हमारे गूगल्स में इसका रिफ्लेक्शन आना चाहिए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन बनाएंगे. तो फिर मैं जाऊँगा ऐड फोटो के अंदर एंड फायर का PNG ले लूँगा. ब्लेंड पे जाके सिंपली कर देना है हमको स्क्रीन, देन अपने इसको इसको यहाँ पे लेके जाना है अपने गूगल्स के पास. ओके, एंड फिर जो बाहर का एरिया है गाइज वो हमको पूरा कर देना इरेज. ठीक है, ऐसे एंड आँखों के ऊपर ही चिंगारियाँ आ रही हैं, इनको इरेज कर देना ऐसे. ओके, अब ये मस्त लग रहा है, एंड इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे फॉर रियलिस्टिक लुक, एंड 68 रहने दूंगा, बेस्ट है. एंड डुप्लीकेट कर देना है, दूसरे वाले भी गूगल्स पे ऐसे लगा देना.
ओके अब ये बढ़िया लग रहा है ऐसे, यहाँ पे जो फायर चल रही है वो हमारे गोल्स पे भी आ रही है, ठीक है। बट हल्की सी हम इसकी थोड़ी सी वो बढ़ा देते हैं ओपेसिटी, क्योंकि कम लग रही है हमें फायर, आग तो दिख ही नहीं रही। अब बेस्ट है, हाँ अब डर देना यहाँ, सॉरी अब कर देना यहाँ से डन। पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ गाइज आज मैं। तो हमें गाइज इसके अंदर जो भी हमारा काम था बैकग्राउंड पीएनजी का, हमारा सारा हो चुका है। हमें इसमें बर्न एंड डोज टूल का भी यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो अब हमें कर देना सिंपली इस फोटो का सेव अपने मोबाइल में, फिर हम खोलेंगे अपने लाइट रूम बाबा। तो गाइज आज मैं आपको लाइट रूम बाबा का जो मॉडल वर्जन का न्यू वर्जन है ना, न्यू वर्जन जो आया प्रीमियम वर्जन, उसका मैं लिंक अपडेट करूँगा अपने इंस्टाग्राम पे। ये देखो ये पुराना वर्जन में ये दिक्कत आ रही है, तो मैं आज इंस्टाग्राम पे अपडेट करूंगा। तो 6-7 बजे मैं अपडेट करूंगा, तो जाके मेरे इंस्टाग्राम को जरूर चेक करना, स्टोरी में अपडेट करूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे मैं डाउनलोड लिंक दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। सो अब ये दिक्कत दे रहा है तो मैं इसका जल्दी से क्लियर डाटा कर लेता हूँ, फिर ये सही हो जाएगा। अगर आपकी भी ऐसी दिक्कत आ रही तो अभी क्लियर डाटा कर लेना, बाकी मैं अभी लिंक आपको देने वाला हूँ इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेना। ये हमारा इसका हो चुका है क्लियर डाटा, बैक हो जा छोरे लाइट रूम बाबा। अब ये मुझे स्टार्टिंग से बताएगा, तो अभी मैं आपको एक प्रोसेस और बताता हूँ। काफ़ी लोगों को लाइट रूम में जो साइन इन करने में प्रॉब्लम आती है, मतलब लॉगिन करने में प्रॉब्लम आती है, तो कैसे हमें लॉगिन करने की जरूरत क्या है इसके अंदर, आप ये बताओ मेरे को। हमें लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, हमें तो अपना काम निकालना, बस फोटो एडिट करनी है इसके अंदर। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे होगा, सही पहले ये आगे तो बढ़े बढ़ गया। तो गाइस आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ लेफ्ट साइड में एरो का ऑप्शन दिख रहा होगा, एरा एरो नहीं है इसको, हम कुछ काटा वाटा कह सकते हैं, मुझे पता नहीं इसका नाम अभी याद नहीं आ रहा। तो इस पर क्लिक कर देना, देखो सिंपली आपके सामने पूरा लाइट रूम ओपन हो गया। गाइस देख रहे हो आप लोग लॉगिन पर अटके रहते हो, आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या लेना देना है इसमें लॉगिन करके, भाई हमें तो अपनी फोटो एडिट करनी है बस, ठीक है। तो आप अब इसको सारी परमिशन दे देना, एंड जो मैंने पिक्सआर्ट के अंदर अपनी फोटो ऐड करी वो यहाँ पे आ गई, ठीक है। एंड कहाँ गई बेटा, ये आ गई। तो अब हम करेंगे इसमें कलर ग्रेडिंग, ये देखो अब मुझे बताएगा भाई कि ऐसे ऐसे लाइट रूम यूज़ होता है। तो चलो कोई नहीं गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको एक चीज़ और सीखने को मिल गई, मतलब लाइट रूम के अंदर साइन इन कैसे करते हैं, साइन इन नहीं करना डायरेक्ट, मतलब चलाते कैसे हैं। ओके फिर हमको गाइस अब क्या करना है, हाईलाइट को बढ़ाना है थोड़ा। अबे यार मत बता मेरे को भाई, वीडियो बना रहा हूँ मैं पागल, लाइट रूम चुप हो जा। तो हमें गाइस हाईलाइट को बढ़ाना है थोड़ा, एंड शैडो को हल्का सा इंक्रीज करना है, एंड ब्लैक को ऐसे कम करना, ठीक है, ताकि ब्लैक को इसलिए कम करके थोड़ा डार्क लुक आए ऐसा, देखो है ना। तो इतना करना है हमको सिंपली, फिर जाना नेचुरल टूल पे, फोटो के नॉर्मली गाइस हमें टेम्परेचर देना है येलो टोन में, ताकि पूरी फोटो येलो टोन में हो जाए ऐसे, देख रहे हो गाइस पूरा टेम्परेचर दे दिया तो हमारे फोटो में टोन आ गया। एंड वाइब्रेंस को हल्का से इंक्रीज कर देना है ऐसे। फिर गाइस हमको जाना है मिक्स पे, जो ब्लू कलर की मेरी जैकेट है इसका मैं सैचुरेशन तो कम करूँगा तो बेकार लगेगा, हल्का सा कम करके ह्यू को हल्का सा आगे कर देना है, पीछे कर देता हूँ पीछे, हाँ इतना ब्लू ठीक है, एंड फिर डन कर देना। फिर गाइस मैं जाऊँगा नीचे टूल पे, फोटो में हल्की सी क्लियरिटी को बढ़ाऊंगा, एंड विंगलेट को कम करूँगा। फिर गाइस हमको जाना निचले टूल पे, फोटो में शार्पनेस बढ़ा लूंगा ताकि हमारी फोटो बिल्कुल शार्प हो जाए, एंड नॉइज रिड्यूसन को बढ़ा लूंगा ताकि हमारी फोटो बिल्कुल स्मूथ हो जाए, मतलब चिकनी चुपड़ी हो जाए, ठीक है। तो हमारे ये पूरा देखो कलर ग्रेडिंग हो चुका बिफोर एंड आफ्टर। तो इधर जाके हल्का सा मैनेज कर लेते हम कॉन्ट्रास्ट वगैरह। तो एक तो पता नहीं कौन मेरा पड़ोसी ने गाना लगा रखा है, बार बार माइक में आवाज़ आ रही होगी आपको, चन 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 चन। बस अब हमें क्या करना है गाइस, अब आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे जो लाइट सी लाइट है, मतलब फायर जल रही है, तो इसको हम ये जो लाइट से बैकग्राउंड की हमारे बालों में हिट मारनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिलेक्टिव टूल पर जाएंगे, सिलेक्टिव टूल से लाइट रूम को प्रीमियम वर्जन में आता है, एंड मैंने आपको बताया मैं अभी लाइट रूम को जो प्रीमियम वर्जन है वो अपने इंस्टाग्राम पर अपडेट करूँगा, तो वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लेना। देन सिंपली आपको क्लिक करना है फिर ब्रश पे। ओके पहले थोड़ा साइज का, अबे यार पहले अपना ये फोटो ऐसे सेलेक्ट कर लेना आपको कहाँ कहाँ मारना है, इतना एरिया में मारना है मेरे को। सिलेक्टिव टूल पे जाना, प्लस ब्रश, देन इसको हमको कोने कोने में अपने बालों के ऐसे मारना है बॉडी के। ओके फिर इरेजर टूल पे जाना, जो भी बाहर एरिया आ रहा है आपको दिख रहा होगा मेरे बालों के, तो इसको हमको कर देना इरेज, तो अपने फेस की तरफ इरेज कर देंगे, क्योंकि हमारे फेस पे हमें लाइटिंग नहीं चाहिए कुछ, हमारे बस अपने बॉडी पे एंड हेयर्स पे चाहिए हल्की हल्की। ओके कुछ ऐसा करना है गाइज हमको, फिर गाइज हमको यहाँ पे जाना है, ठीक है। फिर इसके निचले टूल पे जाना है, यहाँ से कलर लेना हमको गाइस ऐसे, क्या नाम है इसका, ऑरेंज, ऐसे ऊपर कर देना, देखिए आपको दिख रहा है, अभी देखना ध्यान से इधर इधर और इधर देखना, अब ये गायब भी हो गया, देखिए पहले ऐसे था हमने ऐसे किया तो देखो लाइट आ गई ऐसे, हमें कुछ इस तरह की लाइट मारनी है इसके अंदर, ऑरेंज मारनी है हाँ, एंड हल्का सा एक्सपोजर बढ़ा देना ऐसे, एक्सपोजर नहीं कॉन्ट्रास्ट बढ़ गए थे, तो हल्का सा ऐसे एक्सपोजर बढ़ा देना, एंड फिर डन कर देना। देखिए लाइटिंग आपकी फोटो पे पूरी परफेक्टली आ जाएगी, कोने कोने में हिट मार देगी। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारी फोटो पहले कैसी थी एंड अब कैसी है। पहले मैं हल्का सा टेम्परेचर और माइनस कर लेता हूँ इसका,
हल्का सा और ब्लैक कम, शेडो कम, ऐसे। ओके सो अब पूरी फोटो हमारी परफेक्टली एडिट हो चुकी है। सो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारी फोटो पहले कैसी थी एंड लाइटरूम बाबा ने हमने कलर ग्रेडिंग करी कैसा आया। ये देखा बिफोर हमारी फोटो कुछ इस तरह की थी, फोटो के अंदर टेम्परेचर बिल्कुल मैनेज नहीं हुआ था जिससे हमारी फोटो बैकग्राउंड से मैच नहीं होती, लेकिन हमने लाइटरूम के अंदर कलर ग्रेडिंग करी थी, काफ़ी मस्त फोटो लग रही है बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। तो आपको जाना है शेयर में एक्सपोर्ट पे, देन सिंपली आपको अपनी फोटो कर लेना है एक्सपोर्ट। सो गाइस आई होप आपको जो मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इसी तरह की बढ़िया बढ़िया वीडियोस हम लाते रहते हैं। सो गाइस चलिए चलता हूँ मैं, आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एडिंग करो, मौज करो, लव यू ऑल, बाय मारिट्स आर्मी। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।